नमस्कार बंधुगण, आज मु आपनको स्वागत करुची पीसी फोर रो यूनिट 9 आग्रह दीपक विज्ञान शिक्षण उपरे आमे आलोचना करिवा। एही एककर उद्देश्य गुडीक होउची विज्ञान शिक्षण पई आवश्यक सामग्री गुडीकु चिन्हट करिवा सहित श्रेणी रे फलप्रद भाबे व्यवहार करिवा, निज अंचलर संबल गुडीक उपयुक्त भाबे व्यवहार करिवा, पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तक ओ अन्यान्य सहायक पुस्तिका गुड़िक श्रेणी रे व्यवहार करिबा। शिक्षण को आनंददायी करिबा पई विज्ञान क्लब क्विज म्यूजियम प्रदर्शनी ओ विज्ञान कणर उपयुक्त परिचालन करिबा। विज्ञान शिक्षण पई पाठ योजना प्रस्तुत करिबा। विज्ञान शिक्षण रे व्यवहृत सामग्री गुड़िक कौन हबो ता विषय रे आमे आलोचना करिबा। सामग्री रो आवश्यकता और सामग्री रो व्यवहार निश्चित भाव में विज्ञान शिक्षण पई अनेक अनेक गुरुत्व रही। एथिपाई आमे विज्ञान शिक्षण रे धारणा पाठ बुझिबा सहज होइथाय। सामग्री द्वारा अमूर्त चिंता करिबाकु सक्षम हुए, आग्रह सृष्टि होइथाय पिलांक मनरे सामग्री द्वारा कौतूहल सृष्टि हुए, कल्पना शक्तिर मध्य विकास होइथाय। सामग्री द्वारा आमे शिक्षण सामग्रीर व्यवहार द्वारा पिलांक मध्यरे सृजन शक्तिर विकास होइथाय। शिक्षणटिकु या द्वारा आमे दीर्घस्थायी मध्य करिपारु। सामग्रीकु विभिन्न भागरे विभक्त करा जायछि, तो कोन कोन प्रकारर आमे विज्ञान शिक्षण रे सामग्री व्यवहार करिपरिबा से तार प्रकार भेद होउछि प्रक्षेपित सामग्री एवं अण प्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री आमे काहाकु कहिबा, जेउथिरे चित्र सहित एक परदा उपरे प्रक्षेपण करा जाय शिक्षादान प्रदान करा जाय थाय ताकु आमे प्रक्षेपित सामग्री कहिथाय। जिपरि कि उदाहरण चलचित्र टीवी कंप्यूटर इत्यादि। सेहिपरि अण प्रक्षेपित सामग्री काहाकु कहाजाय, विभिन्न प्रकारर वस्तु चित्र मॉडल जेउगुड़िक प्रक्षेपण योग्य नुहंती किंतु शिक्षादान शिक्षण कार्य बहुल भाव में व्यवहार करा जाए सेगुड़िक अण प्रक्षेपित सामग्री बोली कहा जाए। सेहिपरी सामग्री गुड़िक मध्य इलेक्ट्रॉनिक एवं अण इलेक्ट्रॉनिक प्रकार भेद करा जाए। सामग्रीर फलप्रद व्यवहार आम किपरि करिबा ता विषय आलोचना करिबा। सामग्री को उपयुक्त भाव व्यवहार करिबा पई केउं सबु दिग प्रति दृष्टि देबा आवश्यक ताहा निम्न रे आमे तालिका करछु। जेपरि कि एहा प्रसंग भित्तिक होबा दरकार। सामग्री गुडीक प्रसंग भित्तिक नहेले आमे केबे मध्य आमर विज्ञान शिक्षण टिकु अमूल्य विज्ञान शिक्षण टिकु सफल करि परिबा नाही। ठीक सेहिभरि मूल्यायन, से सामग्री को व्यवहार करने द्वारा पिला माने केते मात्रा रे आमर शिक्षण टी उपलब्धि करछंती तार मूल्यायन आवश्यकता रही। ठीक से हीपरी सामग्री टी पर्याप्त परिमाण रे रहिबार आवश्यक रही। से भलिया पिला माने ताकु किपरि भावरे व्यवहार करुछंती कि करुनाहंती ताकु मध्य देखिबा दरकार। आकार रे एहा छोट होइथिबा दरकार, एहा मध्य आकर्षणीय होइथिबा दरकार जहाँ पिला मानंकु विज्ञान शिक्षण प्रति आकृष्ट करिवो। सेही भली केवल संग्रह करा जाई पारुथुबो। श्रेणी रे सामग्री रो किपरि आमे उपयुक्त व्यवहार करिवा, सामग्री गुड़िक प्रसंग भित्तिक होइथिबा दरकार, पिला संख्या अनुजाई पर्याप्त होइथिबा आवश्यक। सामग्री को केवल शिक्षक व्यवहार नकरी उभय शिक्षक और पिला व्यवहार करिबा आवश्यक। सामग्री गुड़िक आकर्षणीय रंगीन और बड़ आकार रे हेबा आवश्यक। सामग्री गुड़िक दल रे देबा पूर्वरु व्यवहार करिबार नियम सूचना गुड़िक जानिबा आवश्यक। सामग्री गुड़िक नहीं पिला मानंक मध्यरे आलोचना परीक्षण सिद्धांत निरूपण हेबा आवश्यक। सामग्री गुड़िक व्यवहार कर सारापर सजाड़ी क्रम अनुजाई शिक्षण कोण रे बा विज्ञान कोण रे रखिबा आवश्यक। विज्ञान शिक्षण रे आंचलिक संबल गुरुत्व कौन रही से विषय आलोचना करिबा। विज्ञान शिक्षण पई सामग्री अपरिहार्य,
ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଓ ନିକଟତମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଅନେକ କଥା ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିବେଶରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ସଜୀବ ହେଉ କି ନିର୍ଜୀବ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଓ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିବା ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିବେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ମାନବ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମୟ ଓ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା, ପଶୁପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର, କୃଷି ଫାର୍ମ ଓ କାରଖାନାକୁ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ପରିବେଶରୁ ମିଳୁଥିବା ବିନା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀମାନ ତୁମେ ନିଜ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। ପିଲା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସଂଗୃହୀତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ପୁସ୍ତିକା। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକାର ବ୍ୟବହାର ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କେବଳ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଲବ, ବିଜ୍ଞାନ କୁଇଜ, ବିଜ୍ଞାନ କୋଣ, ବିଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା, ବାର୍ଷିକ ପାଠ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆମେ PC5, PC2, PC1ରେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପାଠ ଯୋଜନା ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିକି ସେଇଭଳିଆ ବାର୍ଷିକ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକକ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଦୈନିକ ପାଠ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିକାର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା।